उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान में नैनीताल दुग्ध संघ को प्रथम स्थान मिलने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी गई। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने कहा कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर हमेशा सजग रहा है और लाभकारी योजनाओं के जरिए दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने को लेकर लगातार प्रयासरत रहा है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादकों, दूध उपभोक्ताओं, किसान प्रतिनिधियों के सहयोग का ही परिणाम है कि वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ की राज्य में एक अलग ही पहचान बन चुकी है। संस्था निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। मैं उसके लिए अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को, प्रबंध कमेटी को, दुग्ध उत्पादकों को और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज का जो मुख्य विषय था, हमें अभी प्रदेश स्तर पर मार्केटिंग की समीक्षा हुई और पूरे प्रदेश में श्री संजय सिंह भाकुनी को सबसे अधिक दूध और दुग्ध पदार्थ बेचने पर प्रदेश में पहला स्थान मिला। ये नैनीताल दुग्ध संघ के लिए गौरव की बात है और उस सब में हम सब ने निर्णय लिया कि एक सम्मान हम जनपद स्तर पर भी इस ट्रेनिंग सेंटर में संजय भाकुनी जी का करें। वो आज उपार्जन, विपणन कार्यालय सहित सभी अनुभाग के लोगों ने यहाँ पर भागुनी जी का सम्मान इस आशय के साथ करा कि आज मार्केटिंग में हम प्रदेश में प्रथम आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 2 माह 4 माह में हम उपार्जन में भी प्रथम स्थान तो है ही, लेकिन एक उत्कृष्ट स्थान हम प्राप्त करें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।